अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अली रज़ा और आप देख रहे हैं कोडिंग विद रज़ा। टुडे इन दिस सेशन वी विल लर्न के POS का प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बना, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें अपने। सॉरी, सो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। मेरे लिहाज से मैं जो इस्तेमाल करूँगा 2022 वर्जन है। आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है वो जितना लेटेस्ट होगा उसके फीचर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे लाइक इंटेलिजेंस कोड का फीचर जो विजुअल स्टूडियो के अंदर है कोडिंग के दौरान, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। बाय डिफॉल्ट अगर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो विंडोज़ फॉर्म का जो ना अपना एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स जो हमें एक विंडोज़ के थ्रू नज़र आते हैं, जिसमें आप जैसे कि कह सकते हैं ये एक एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एप्लीकेशन। इसमें जो ये फॉर्म इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो विंडोज़ का फॉर्म है ये वो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, उसकी थोड़ी सी थीमिंग, उसका व्यू पॉइंट अलग हो, सेपरेट हो और अच्छा हो, तो उसके लिए हमें अगर किसी दूसरे कंपोनेंट के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कर सकते हैं। हमारे केस में मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो है टेलेरिक। टेलेरिक एक बहुत ही कमाल का विन फॉर्म जो है ना कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जो ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा थीम्स होती हैं इसके लिए और ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा उसके कंपोनेंट्स हैं। सो अगर आपने इसके बारे में तरीका यानी कि जानना है तो किस तरह इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे ऊपर टोकल भी आ रहा होगा इंस्टॉलेशन के मेथड का वीडियो को, वहाँ से आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे केस में सबसे पहले हमने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है ताकि हम अपना प्रोजेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं POS का। तो सबसे पहले सिलेक्ट करें, या अगर आपको यहाँ पे ये तो मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। विंडोज़ फॉर्म जैसे ही लिखेंगे तो वो यहाँ पे सर्च करने के बाद नीचे हमें ला देगा, जैसे लाइक विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क, ये इसका बाय डिफॉल्ट है। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ हमारे टेलरी की तरफ, सो मुझे लगता है वो ऊपर ही आएगा टेलरिक, ये रख टेलरिक। तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया टेलरिक C# विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। नेक्स्ट कर देते हैं जी। यहाँ पे आपने जी प्रोजेक्ट का नेम देना है, जस्ट लाइक इन मेरे केस, जो मेरे केस के मुताबिक यहाँ मैं इसको देता हूँ पॉइंट ऑफ सेल। तो कोशिश कीजिए प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसेस ना हो, क्योंकि सॉल्यूशन में फिर अंडरस्कोर लाजमी डाल देता होता है। तो यहाँ पे आपने पाथ सेलेक्ट करना है। पाथ सेलेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट बात यह है कि आपने पाथ जो सेलेक्ट करना है वो किसी ऐसा पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको डिलीट होने का खदशा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सम टाइम एक डिज़ास्टर की वजह से, विंडोज़ क्रैश होने की वजह से, या किसी और सिचुएशन की वजह से आपका प्रोजेक्ट ज़ाया भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि इसको किसी ऑनलाइन डायरेक्टरी में स्टोर किया जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी .NET फ्रेमवर्क कौन सा है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो 4.5.2 है। वैसे जितना आप लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए इतना अच्छा होगा, लेकिन मैं इस वजह से 4.5.2 इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये हर एक विंडोज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जस्ट लाइक विंडोज 7 से स्टार्ट होगा और विंडोज 11 तक चलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो 4.5.2 सेलेक्ट कर लें। अगर आप कोई ऊपर वाला या नीचे वाला सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्जी सेलेक्ट कर लें। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। हमारे पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विजर्ड ओपन हो गया है, जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें दे रहा है, जैसे कैलेंडर इंस्पायर्ड, मेल इंस्पायर्ड, एक्सेल इंस्पायर्ड, वर्ड एंड आउटलुक। ये बेसिकली थीम्स हैं, जस्ट लाइक अगर आप जैसे ही वर्ड इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये एक एप्लीकेशन इस तरह ही बना देगा जिस तरह एक ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, यानी कि उसके ऊपर टाइटल मेन मेन्यू जो है वो ऑफिस की तरह ओपन होगा। लेकिन हम चूंकि हमें वो उस तरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी लुक उस तरह की हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं ब्लैंक सेलेक्ट कर दूँगा, फिनिश कर देते हैं। विद इन अ मिनट ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा।
इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, उसके लिए माजरत। लेकिन इंशाल्लाह आज से एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट होगी जिसके अगेंस्ट हम छोटे से छोटी चीज़ भी डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम हमको एक प्रोजेक्ट बनाने में छोटी से माइनर प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से आप एक ऐसा प्रो डेवलपर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आपकी लॉजिक क्लियर होंगी जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी इंशाल्लाह। ये हमारा जी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ सेल सक्सेसफुल। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस में के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इसको स्किप आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं थोड़ा समझाता हूँ। सबसे ऊपर टॉप मेन मेन्यू बार है जिसमें सारी कमांड्स दी होती हैं, ये उसके शॉर्टकट्स हैं जो शॉर्टकट के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मेन मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं। राइट साइड पे आपको ये एक पैनल नज़र आ रहा है जिसमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पैनल है, इसके अंदर आपकी तमाम फाइल्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं, किस तरह मैनेज हो रही थी वो, यानी कि एक ट्री व्यू की तरह फाइल्स मैनेज हो रही होती हैं। और नीचे ये प्रॉपर्टीज शो हो रही थी, ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हर एक कंपोनेंट की एक सेपरेट प्रॉपर्टी जो आपको किसी भी जगह पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली उसको असाइन करेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टूल बॉक्स नज़र आ रहा है और डेटा सोर्स नज़र आ रहा है। डेटा सोर्स बेसिकली आपके जो डेटाबेसेस है कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो टूल बॉक्स है इसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, ग्रिड व्यू एंड सो ऑन लिस्ट बॉक्सेस, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये एक छोटा सा शॉर्ट व्यू था प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इंशाल्लाह इससे आगे अगले ट्यूटोरियल में हम दिखेंगे। फर्स्ट लॉगिन फॉर्म हमने उसका डिज़ाइन करना है, क्योंकि एक अगर मैं स्केच एक बनाऊंगा इंशाल्लाह तो उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि ये किस तरह हम POS को लेके चलते हैं, उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, एवरीथिंग उसमें डिस्कस कर दूंगा एक स्लाइड शो के अंदर। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्म बनाएंगे लॉगिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उस वीडियो में लॉगिन फॉर्म बनाते ही नेक्स्ट हम उसकी ऑथेंटिकेशन एवरीथिंग डेटाबेसेस की तरफ मूव ऑन होंगे। ठीक है, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।